पायलट और उनके दो सहयोगी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स थे कांग्रेस ने उनको हटाने के बाद देर रात में एक डिस्कालिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जिसके लिए उनके चीफ विप ने कांग्रेस के स्पीकर को पिटिशन किया राजस्थान स्पीकर को कि इनके खिलाफ एक्शन लें जिसके बाद स्पीकर ने 19 एम जो कि सचिन पायलट के खेमे में हैं उनके करीबी जो एम माने जाते हैं उनको नोटिस सर्व किया कि उनको 17 तक ये जवाब देना है कि उन्होंने पार्टी के विप का क्यों वायलेशन किया और वो क्यों सी मीटिंग कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग में नहीं आए लेकिन आज काफी एक इंटरेस्टिंग टर्न आया जिसमें हमने देखा कि अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के उन्होंने एक तरह से बहुत ही मेजर एलिगेशन लगाए यंग लीडर्स के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में उनका काफी हाथ था जो राज्यसभा इलेक्शन के टाइम और उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ अच्छी तरह से बात कर लेने से इंग्लिश में बात कर लेने से या फिर ट्वीट कर लेने से ही एक इंसान अच्छा नहीं बनता है अच्छा तब बनता है जब वो पार्टी की तरफ निष्ठावान हो कंट्री की तरफ निष्ठावान हो और इसके लिए जो हम कांग्रेस के यंग लीडर्स हैं उनको बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है इसके कुछ घंटे बाद ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कि हमारे सोर्सेज बताते हैं राहुल गांधी के कहने पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका लहजा बहुत ही नरम था उन्होंने कहा कि पार्टी के डोर्स अभी भी सचिन पायलट के लिए खुले हैं और उन्होंने इस बात को रिटरेट किया एक्शन उनको लेना पड़ा उनको डेप्यूटी सीएम पद से हटाना पड़ा क्योंकि वो रेडी नहीं थे किसी भी तरह की बातचीत के लिए लेकिन अभी भी पार्टी चाहती है कि वो एक फैमिली मेंबर की तरह वापस आ जाएं और अगर वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते तो वो मीडिया को स्टेटमेंट देने की जगह पार्टी फोरम पे अपनी ये बात उठाएं। इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो देखनी पड़ेंगी कल तक जो ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या एक नई पार्टी फ्लोट करेंगे तो और जो उन्नीस एम सचिन पायलट को इंक्लूड करके उनके साथ हैं वो अब ये मेंटेन कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के ही साथ हैं वो पार्टी के ही साथ हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है इसका एक रीजन सोर्स तो हमें ये बताते हैं क्योंकि उनको एक नोटिस मिल गया है जो कि डिसक्वालिफिकेशन की तरफ जाता है और अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उनको ये जरूर दिखाना होगा कि वो पार्टी के साथ है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अगर हो जाएगा तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है दूसरी चीज यह भी है कि अभी सत्रह तारीख का इंतजार है जिसमें स्पीकर ने सबको समय दिया है कि वो अपनी बात आकर रखें और तीसरी चीज जो कही जा रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से ये भी यही ये है कि कैबिनेट रिशल और ऐसे सारे डिसीजन को अभी होल्ड पे रखा जाए पहले यह समझ समझ लिया जाए क्या सचिन पायलट अभी भी वापस आने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है अगर देखा जाए जिस तरह की पूरी गतिविधि रही हैं तो क्या पायलट अब राजस्थान में अपना पॉलिटिक्स कर पाएंगे कांग्रेस के साथ दूसरी चीज है जो एक सेंट्रल uh, लीडरशिप में क्या उनका नया रोल हम देख सकते हैं और तीसरी चीज राजस्थान पॉलिटिक्स की जगह अगर उनको हम दिल्ली शिफ्ट कर दें ऐसा कांग्रेस में इन सब चीजों पे भी बात चल रही है लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने किसी भी तरह का डायलॉग ओपन नहीं किया है कांग्रेस के साथ काफी सारे सीनियर लीडर्स ये कह रहे हैं कि सेंट्रल uh, लीडरशिप ने बहुत इंटरवीन किया और चाहा कि वो पार्टी में वापस आए हाँ, पर अभी तक उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है तो सत्रह तारीख बहुत ही क्रूशल होगी क्योंकि उस दिन डिसक्वालिफिकेशन इन उन्नीस एम का होगा या नहीं होगा वो अपना रिस्पॉन्स क्या देते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दिस इज़ नीलम पांडे फॉर द प्रिंट की फॉलोइंग आई यूट्यूब चैनल फॉर अपडेट्स